नमस्कार, डीवी न्यूज में आपका स्वागत है। भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर लगे यौन उत्पीड़न और छेड़छाड़ के आरोपों पर दिल्ली पुलिस ने चार्जशीट फाइल की। इसमें पुलिस ने कहा है कि ब्रजभूषण सिंह ने महिला पहलवानों के साथ छेड़छाड़ की है और उन पर केस चलाए जाए। मामले को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी सरकार पर हमला किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, कानून और नैतिकता कहती है कि महिलाओं के साथ अत्याचार करने वाले आरोपी को उसके पद से हटाया जाए, निष्पक्ष जांच हो, गिरफ्तारी हो और अदालत में उसे सजा दिलवाई जाए। लेकिन बीजेपी सरकार में देश का मान बढ़ाने वाली महिला खिलाड़ियों के साथ अत्याचार करने वाले आरोपी को बचाया क्यों जाता है, मामले को दबाया क्यों जाता है, वही जांच में मामलों को रफा दफा क्यों किया जाता है। इसी ट्वीट में वो आगे कहती है कि पूरी सरकार इस मामले पर मौन क्यों है, आरोपी अभी तक भाजपा में क्यों है और कोई कार्यवाही क्यों नहीं हुई।